हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। जैसा हाल ही में आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फॉर्म चालू है, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम के। तो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट जो होती है वो बीए के अंदर और बीएससी के अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज है कि यार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फ़ीस जमा तो हो रही नहीं है, तो फिर किस तरीके से हम प्रैक्टिकल फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों, सेम प्रोसेस वही है जैसे आप बीए के अंदर फॉर्म भरते हो, बीएससी के बीकॉम के इनके फॉर्म जैसे फिल हो रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, ठीक है, जिन बच्चों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उनके लिए जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म, ठीक है दोस्तों, तो आपको देखो नीचे आप दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एंड में जब आप नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है आप सभी को, डू यू वेंट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बीए की बात करता हूँ, बीए के पास किसी के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ड्राइंग सब्जेक्ट है, या फिर होम साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो होती है सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बीए के अंदर किसी स्टूडेंट्स के पास, अब उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है आप सभी को पता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करना है, डू यू वेंट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स। यहाँ पर ये सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर सिंपली यस करना है, क्योंकि उस बंदे के पास यहाँ पर बीए के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर अपन को यस करेंगे। उसके बाद वही तरीका रहेगा, यूजी पार्ट फर्स्ट की मार्कशीट अपलोड कीजिए, प्रोसेस कीजिए, प्रिंट निकालो, मैक पेमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई होएगा प्रैक्टिकल वाले बच्चों का, ठीक है, चाहे बीएससी का प्रैक्टिकल हो चाहे बीए का, तो सेम इसी तरीके से अप्लाई होएगा दोस्तों। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करना है, डू यू वेंट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, ठीक है, और यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करके प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, उसकी प्रिंट निकाल देनी है पेमेंट करने के बाद। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम फीस कैसे जमा करें, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी हाल ही के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा कोई भी प्रैक्टिकल फीस जमा नहीं कर रही है। जैसी प्रैक्टिकल फीस के बारे में नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिसके कारण से यहाँ पर प्रैक्टिकल फीस जमा नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये था प्रोसेस यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही तरीका है जैसे आप फॉर्म भरते आ रहे हो उसी तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आप नीचे की तरफ आते हो दोस्तों, तो इस वाले ऑप्शन को आप येस करना है, डू यू वेंट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स, इस ऑप्शन को येस करना है। यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर नो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदे के पास यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इस ऑप्शन को अपन यस करेंगे। अगर किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत, इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत, ये कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे। देख सकते हो प्रैक्टिकल मार्क्स, देख सकते हो प्रैक्टिकल मार्क्स नो, ठीक है। अगर यहाँ पर संस्कृत की जगह ज्योग्राफी होती या ड्राइंग होती, होम साइंस होती, ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी होती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो भी होती, ठीक है, तो यहाँ पर उस समय हम यहाँ पर गैस का प्रयोग करते। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आइकन पर जाकर बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए।